सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के देसी नुस्खे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसा रिमेडी शेयर करने वाला दोस्तों आपके साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है दोस्तों, जिसे आप आसानी से घर में उपलब्ध चीजों से अपने स्किन को गोरा चमकदार एक स्किन टोन लाइटिंग टिप्स बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसे अपनी स्किन को लाइट एंड व्हाइट बनाएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ मुलायम एंड बहुत ही कोमल त्वचा बनाएंगे दोस्तों अपने फेस को और साथ ही साथ अपनी स्किन को भी दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, टमाटर का मैं रेमेडी पहले भी एक बता चुका हूँ दोस्तों, और ये एक उसी से रिलेटेड एक नया रेमेडी लेकर आया हूँ, एक नए तरीके से इसे इस्तेमाल करना है दोस्तों गोरे होने का। ही बहुत सारे लोगों को जो है गोरे होने की शौक होता है दोस्तों, कुछ लोगों की प्रॉब्लम की वजह से, यानी धूप में फेस उनका गोरा होता है, बट किसी कारणवश किसी रीजनवश जैसे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह हो गया, या किसी रीजनवश जैसे धूप वगैरह में जाते हैं या सनटैन के कारण उनके फेस ब्लैक हो जाते हैं दोस्तों। इस वजह से बाहर के बहुत सारे ऑर्डिनरी क्रीम यूज करते हैं, क्रीम यूज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, इसलिए हमने एक बहुत ही आसान और सिंपल नुस्खा लेकर आए हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपके सनटैन एंड किसी भी तरह के फेस के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को भी दूर करेगा और साथ ही साथ आपके कालापन को भी दूर करेगा। तो टमाटर त्वचा के बाहरी त्वचा जो होते हैं, बाहरी त्वचा स्तर को ब्लीचिंग करने का काम करता है दोस्तों, और प्रभावित क्षेत्र पर टमाटर लगाने से काफी किसी भी महंगी रसायन आधारित प्रसाद सामग्री त्वचा उत्पादों के उपयोग ना करते हुए बड़ी आसानी से टमाटर अपने चेहरे को धीरे धीरे से आप रगड़ करके इसकी सहायता से आप अपने गोरा और सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें इस रेमेडी को शुरू करने से ऐसे आपको दो भागों में, यानी हाफ हाफ भागों में आपको टमाटर को काट लेना है। और इसे टमाटर को काटने के बाद दोस्तों क्या करना है, पहले इसको टमाटर का सिरका निकाल लीजिए दोस्तों, और सिरका निकालने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करें। पहले फेस को सबसे पहले धो लीजिए, और धोने के बाद दोस्तों सिरका निकाल लीजिए टमाटर का, आधे टमाटर का सिरका निकाल लीजिए, और सिरके के को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने जब आपका सूख जाए फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद जो हमें जो करना है वो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। पहले हमको क्या करना है, ऐसे आप शुगर ले लीजिए और उसके बाद इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसको फेस पे, गर्दन पे, घुटनों पे, हाथों पे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि टमाटर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन ब्लीचिंग का काम करता है, और आपके फेस के जो बाहरी त्वचा को बहुत अच्छी तरह से डीपली ब्लीचिंग करता है। ब्लीच करने के बाद आपके जो गंदगी होते हैं दोस्तों, कि फेस पे जमे हुए डार्क स्पॉट में त्वचा जो होते हैं, उसे आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। महंगे से महंगे रसायन भी जो आपका काम नहीं करेगा दोस्तों, वो काम ये करेगा दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक। इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे आप गोल गोल घुमाइए, ठीक है, और 10 मिनट के लिए सिर्फ आधे टमाटर को इस तरह अपने चेहरे पर रगड़ें आराम से। चेहरे पर लगे टमाटर के रस को सूखने दें, जब ये पूरी तरह से अप्लाई करने के बाद इसको सूखने दें दोस्तों, ठीक है। जब ये पूरी तरह से सूख जाए दोस्तों, सूखने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, ठंडे पानी से इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो आपकी त्वचा की जो मृत कोशिकाएं हैं उसे निकालकर आपकी त्वचा को कोमल और मुलायम बना देगा दोस्तों, इतना मुलायम दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये था हमारा आज का रेमेडी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रेमेडी। उम्मीद है सभी दोस्तों को हमारा अच्छा लगा हुआ ये रेमेडी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट देने के लिए हमें दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे बेहतरीन बेहतरीन आपको रेमेडी लेकर आते रहो दोस्तों आपकी सहायता के लिए दोस्तों, और आपकी बेहतरीन बेहतरीन टिप्स देते रहूं, और वैसे ही बेहतरीन बेहतरीन टिप्स यूज करके दोस्तों अपने फेस को गोरा और चमकदार बनाते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, इधर डिस्प्ले पे दो वीडियो दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों वीडियो को वॉच करना बिल्कुल ना भूलिए। बीच में जो सर्कल दिख रहा है सर्कल पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट मिलता रहे, और ऐसे ही आपके लिए मैं बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहूं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।